होशंगाबाद जिले की सेमरी हरचंद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन स्व मारुति राव जोशी स्मृति सेवा न्यास पिपरिया के द्वारा नर्मदा वेली विद्यालय में किया गया। शिविर के जीवन दुबे ने बताया कि संघ के 32 स्वयंसेवी द्वारा 32 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। शिविर के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों का फूल मालाओं से एवं साल श्रीफल देकर सम्मान भी किया गया। साथ ही रक्तदाताओं को फल फ्रूट जूस खिलाकर प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिए गए। रक्तदान शिविर में भगवान दास अग्रवाल अध्यक्ष स्व मारुति राव जोशी स्मृति सेवा न्यास पिपरिया, जीवन दुबे जिला कार्यवाह पिपरिया, नरेंद्र पटेल खंड कार्यवाह सोहागपुर, संजू सिलावट सह खंड कार्यवाह सोहागपुर, देवेश शर्मा खंड सेवा प्रमुख सोहागपुर तथा प्रशासनिक अधिकारियों में पुष्पेंद्र निगम तहसीलदार सोहागपुर, रेखा गौर BMO सोहागपुर, रविकांत शर्मा रक्त कोष अधिकारी होशंगाबाद तथा रावेंद्र सिंह चौहान चौकी प्रभारी सेमरी, डॉक्टर शैलेंद्र सोनकिया, डॉक्टर सुशील सोनी, डॉक्टर सुनील यादव, श्रीराम खिलावन पटेल तथा अन्य अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। किनके द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थान स्वर्गीय मारुति राव जोशी स्मृति सेवानाश पिपरिया के द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन सेमरी के नगर में किया गया है। मारुति राव जोशी स्मृति सेवा न्यास के द्वारा जिले में यह 8वां रक्तदान शिविर है। अभी तक 235 यूनिट का रक्तदान हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा मानव समाज के हित में और हमारा जो उद्देश्य है वो निस्वार्थ सेवा, साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। हम इस उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समस्त कार्यकर्ता इस कोरोना संकट काल में तथा भीषण गर्मी के इन दिनों में मानव समाज के हितों के लिए, गरीब जरूरतमंदों के आवश्यकता के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। धन्यवाद। RSS द्वारा ये रक्तदान शिविर जो आयोजित किए जा रहे हैं हमारी तहसील में और अन्य तहसीलों में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आप लोगों के द्वारा। और ये स्वर्गीय मारुति जोशी जो संस्था पिपरिया, इनके द्वारा ये आयोजन किया जाता है। इसमें हमारे कर्मचारी भी आप लोगों का सहयोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका आप लोगों की है। और आप लोगों ने कम से कम 250 यूनिट ब्लड अभी तक कलेक्ट कर चुके हैं। और इससे एक फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जो ब्लड बैंक्स हैं उसमें जो रक्त की कमी आ रही थी, अभी बीच में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ब्लड बैंकों में खून की कमी हो गई है, तो उसकी भरपाई हो पा रही है। और इस वक्त जो खून की कमी के रहते हुए जो हमारे मरीज हैं, जो जिसको भी रक्त की ज़रूरत है वो भरपाई हो पा रही है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। और इसके लिए हम आप RSS वालों को धन्यवाद देते हैं। और बहुत अच्छी तरह से ये लोग संचालित कर रहे हैं और हमें किसी प्रकार की असुविधा हमें भी नहीं होती है, जिससे हम, क्योंकि हमारे ब्लड बैंक होशंगाबाद में ब्लड जो इकट्ठा हो रहा है, इससे बहुत अभूतपूर्व योगदान हो रहा है आप लोगों के द्वारा।